सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत शोपिया के दूरदराज इलाके जामनगरी गांव में सीआरपीएफ की 14वीं बटालियन के जरिए मुफ्त मेडिकल कैंप चेकअप लगाया गया है। सीआरपीएफ की 14वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर बिमलेश चंद्र झा ने इस कैंप का अफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम का मकसद दूरदराज इलाकों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेहत का ख्याल रखना है। इस कैंप में सैकड़ों की तादाद में गांव के लोगों ने मेडिकल चेकअप कराया है, साथ ही मरीजों को मुफ्त दवाएं भी दी गई हैं। वहीं इस मौके पर लोगों ने खुशी का इजहार किया है और सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। ये सीआरपीएफ की तरफ से दूसरा कैंप है यहाँ पे, जिस वजह से यहाँ के गरीब आवाम को फायदा मिला है, वो फ्री मेडिसिन मिल रहा है और डॉक्टर की चेकअप हो रहा है। जहाँ से इतना चेकअप हो रहा है ये श्रीनगर में जाके हमें करना पड़ता था, और सीआरपीएफ की तरफ से ये डॉक्टर्स यहाँ लाए हुए हैं और फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। हम तहे दिल से सीआरपी का शुक्रगुजार हैं, और इन्होंने आइंदा भी हमारे से वादा किया, हम आइंदा भी करते रहेंगे, और जितने भी ये कर रहे हैं हम इसके लिए बहुत मशहूर हैं। लगातार जो रिमोट इलाके हैं उसमें कर रहे हैं, जैसे आज के दिन हम ऋषि नगरी में आए हैं, और इसके बाद भी हम लोग जो रिमोट इलाके हैं जहाँ से लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का ये वंचित हैं, वो आ नहीं पाते हैं वहाँ तक, उन तक हम पहुँच करके उनको स्वास्थ्य सुविधाएं, मुफ्त में दवाइयाँ, जो चिकित्सा का सुविधा है वो उपलब्ध कराना चाहते हैं, और इसके माध्यम से हम जो कम्युनिटी है उससे एक रिलेशन बनाना चाहते हैं, और ये जो सीआरपीएफ का विश्वास है वो हम जीतना चाहते हैं उन लोगों के बीच जा करके।